नमस्कार, स्वागत है आपका मगर पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। 1 सितंबर को मिल सकती है कुछ खबर, इस बार बढ़ेगा डीए। देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कुछ खबरी जो है अब मिलने वाली है। दरअसल उनका जो महंगाई भत्ता जो है डीए, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल ये खुशखबरी जो है 1 सितंबर को मिलने वाली है। माना जा रहा है कि अगले महीने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। सितंबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया जा सकता है। वह सिर्फ डीए नहीं बल्कि जुलाई और अगस्त महीने में जो है एरियर भी मिल सकता है। डीए के बाद जो एरियर जो होता है वो भी मिल सकता है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर अभी ऐलान होना बाकी है। केंद्र सरकार की तरफ से साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से 10 सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुशखबरी मिलेगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। वही केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी करके डीए को जो है 53% पर पहुंचा सकती है। वही महंगाई भत्ते यानी डायनेस अलाउंस और महंगाई राहत यानी यहाँ पर डायनेसिस रिलीफ दोनों में बढ़ोतरी जो है वो 1 जुलाई 2024 से की जाने की संभावना रहेगी। भले ही इसमें देरी हो रही हो, लेकिन बड़ी भी दर 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई से लागू यहाँ पर मानी जाएगी। वही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन महंगाई पर निर्भर करता है। इसका कैलकुलेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। वही जिसके 7वें वेतन आयोग की ओर से फॉर्मूला डीए निर्धारित यहाँ पर किया गया है। डीए का कैलकुलेशन डीए परसेंट पिछले 12 महीनों का रिवाइज एवरेज मतलब बेस ईयर में जो है यहाँ पर कितना बढ़ोतरी होगी, ये सब कुछ मिलाकर जो किया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के सभी एयरपोर्ट और बॉर्डर पर मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट। देश के 3 अस्पतालों के दिल्ली के अंदर 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बने। सरकार ने जो है दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश में सभी पोर्ट और एयरपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश स्थित बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षण को तैयार लेकर जो है वो सतर्क रहने के लिए कहा है। वही ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि साइबर यहाँ पर मतलब ऑफिशियल सूत्रों ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है दिल्ली में जो है यहाँ पर केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सरपतगंज और लेडी हॉर्डिंग में नोडल सेंटर्स बनाए हैं। अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड जो है बनाए गए हैं। वही केंद्र ने सभी राज्यों में सरकारों को उनके राज्य केंद्र अस्पतालों में मंकी पॉक्स मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वही भारत में भी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक के आकलन के मुताबिक मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। इसे शॉर्ट में जो है यहाँ पर एमपॉक्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो ये मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर जो है बड़ी खबर सामने यहाँ पर आ रही है। वही पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में 4th केस मिल चुका है। दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंकी पॉक्स पर अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। 4 केस जो है अब तक यहाँ पर मिल चुके हैं।